اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीं एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीं वरना इन टूटे हुए तारों से क्या बात बने। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज के बयान का उन्वान है इत्तिहाद व इत्तिफाक और कौमी यकजहती। किसी भी चीज़ के असास, बुनियाद, उसके दवाम और बका में मेन किरदार है इत्तिहाद व इत्तिफाक का। हर चीज़ जब ही बाक़ी रह सकती है जब उसमें इत्तिहाद व इत्तिफाक हो। दुनिया की हर चीज़ अगर उसमें इत्तिहाद व इत्तिफाक नहीं होगा तो वो जल्दी ही फना हो जाएगी। चुनांचे ये दुनिया और इस दुनिया का निज़ाम इत्तिहाद व इत्तिफाक पर ही मबनी है। इत्तिहाद और इत्तिफाक के माना है मिलजुल करके एक साथ रहना, एक दूसरे की मुआविन और मदद करना। तवाहुद और इत्तिफाक मुत्तफिक होना मतलब सबका आपस के मशवरों और आपस की रायों में एक मशवरा और एक राय रखना, मिलजुल करके सबका किसी एक काम को करना, किसी चीज़ के बारे में उसके नफ़े व नुकसान को समझ करके सब लोगों का किसी एक राय पर मुत्तफिक हो जाना, ये मतलब होता है इत्तिहाद व इत्तिफाक का। वैसे तो तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना ही चाहिए, नहीं तो कम से कम हम मुसलमानों को तो एक मुसलमान होने की हैसियत से पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि होना तो ये चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर हम सब मुत्तफ़िक़ हों, वो चाहे मुसलमान हो या गैर हों, वो चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो या कहीं बाहर का रहने वाला हो। इंसानियत की बुनियाद पर सब में इत्तिहाद इत्तिफाक होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो दुनिया के बका के लिए ज़रूरी है। अगर लोग आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक नहीं होंगे तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा, जब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे से मुत्तहिद मुत्तफ़िक नहीं होंगे तो जल्दी ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप देख लें, जो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं उनका अंजाम क्या होता है। आज अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान इराक़ पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क पे हमले की तैयारियां कर रहा है। सब के सब आपस में एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार हैं, और इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि इंसान मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई जंग कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती। जंग का नतीजा हमेशा तबाही और बर्बादी होता है। आज आप देख लें जो मुल्क वॉर के अंदर, जंग के अंदर मुलविस हैं, इकोनॉमिक एतिबार से भी वो माशी बहरान के अंदर मुब्तला हैं और लोगों की तादाद के एतिबार से भी रोज़ाना किल्लत के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि जंग कभी फ़ायदा नहीं देती। हो सकता है लड़ने वालों को ये हो जा रहा है मैं जीत गया, मेरी फतह हो गई, लेकिन ऐसी फतह किस काम की जिसमें अपने हमसे खो जाएं, अपने जिसमें मर जाएं, शहीद हो जाएं, लोगों को भूखा प्यासा रहना पड़े। ऐसी जंग किस काम की। तो जंग कभी भी फतेह और कामयाबी नहीं लेकर के आती, बल्कि अपने पीछे लाशें छोड़ जाती है, तलख यादगारें छोड़ जाती है और हमारे अपनों को मुर्दा छोड़ जाती है। जबकि अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक हो, इंसानियत की बुनियाद पर अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक हो, तो ना लड़ाई की नौबत आए और ना जो ये हमको नुकसान उठाने पड़ते हैं ना वो नुकसान उठाने पड़े। सब मिलजुल करके रहें, हंसी खुशी रहें, वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। तो कहने का मतलब ये है कि इत्तिहाद और इत्तिफाक बड़ा ज़रूरी है। अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होगा तो एक वक्त आएगा कि दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा। एक प्रोफेसर कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद अगर वर्ल्ड वॉर 4 हुई, अब अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया पर, अगर आप नज़र डालेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है, किनारे पे खड़ी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ पूरी जंग की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं और एकदम तैयार हैं। अब धावा बोल देवे तब धावा बोल देवे। और एक जंग की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर पेशीन गोई की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा, इस कदर खूनरेज़ी होगी, इस कदर खूनरेज़ी होगी कि एक जानवर लोगों के ऊपर से, मुर्दा लोगों के ऊपर से उड़ कर के जाएगा, लेकिन उसको कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। एक जानवर है, वो मुर्दार नहीं खाता, तो वो उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, जब उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो वो थक कर के गिर जाएगा। इस कदर लाशों के समंदर बिछे हुए होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। आपने फरमाया 100 लोगों में से 99 कत्ल हो चुके होंगे, 100 में से 99 कत्ल हो चुके होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। और ये हकीकत है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई, जो कि होगी, उसमें दुनिया का इस कदर नुकसान होगा जो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ होगा। वजह साइंस और टेक्नोलॉजी, जहाँ उसके फ़ायदे हैं नुकसान भी हैं। अब से पहले लोग कैसे लड़ते थे? तीरों से, तलवारों से, भालों से, खंजरों से, नेज़ों से, इनसे लड़ते थे और इनका नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो जंग में मौजूद होते थे। तीर से, तलवार से आप सामने वाले को ही मार सकते हैं जो सामने मौजूद है। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आप यहाँ बैठ कर के दूसरे पूरे मुल्क को ख़त्म कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। कोई जंग में आवे ना आवे, गुनहगार हो बेगुनाह हो, पूरा का पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 4 होगी तो उसमें लोग पत्थर और लकड़ियों से लड़ेंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं होगा तो लड़ेंगे किससे। जब वर्ल्ड वॉर 3 में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा, तो चौथी लड़ाई के पास उनके पास कुछ नहीं होगा, लकड़ियों से और पत्थरों से लड़ेंगे। और ये हकीकत है। तो इसलिए पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे एक जंग की आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में बेचैनी का माहौल है, हर कोई अपने मफाद और फ़ायदे की खातिर दूसरे को हज़म कर जाने की तैयारी में। सैकड़ों ऐसे मसाइल हैं जिन्हें मैं और आप तो समझते ही नहीं हैं, उनके पीछे क्या क्या साजिशें हैं, क्या क्या प्लान हैं, मैं और आप समझते ही नहीं हैं उन चीज़ों को। तो जब हो जाती हैं तो समझ में आता है, बल्कि हो जाने के बाद भी ये नहीं समझ में आता कि ये हुआ क्यों है, ये हुआ क्यों है, ये नहीं समझ में आता। अभी ईरान में कासिम सुलेमानी को जो कत्ल हुआ, आज तक तो ईरान अमेरिका के साथ खड़ा था, अमेरिका ने उसे ही क्यों मार दिया, किसी को समझ में आया? आएगा भी नहीं। उसके पीछे क्या साजिशें हैं वो सब बड़े दिमागी जानते हैं। क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा किया जाएगा, मैं और आप जानते ही नहीं, वहाँ तक उस तह तक पहुँचते ही नहीं है। खैर, कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए, इंसानियत और दुनिया को बाकी रखने के लिए इत्तिहाद और इत्तिफाक बहुत ज़रूरी है। अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होगा तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, ना दुनिया रहेगी ना दुनिया में बसने वाले आदमी रहेंगे। तो इसलिए इंसानियत की बुनियाद पर हर एक को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होना ही चाहिए। लेकिन अगर उस लेवल पर हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं और शायद हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुफ्र और इस्लाम की जंग आज से नहीं, अज़ल से चालू है। जब से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ तभी से इसका सिलसिला शुरू है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर कम से कम मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। हमें आपस में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रहना चाहिए कुफ्र के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर आप देखने जाएं तो आज पूरा कुफ्र मुत्तहिद हो चुका है इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को मिटाने के लिए। जगह जगह आप देख लें, अपने मुल्क में देख लें, दूसरे ममालिक में जा कर के देख लें, पूरा नक्शा हमारे सामने। तो अगर ऐसे वक्त में हमारे अंदर इत्तिहाद व इत्तिफाक नहीं हुआ तो फिर मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए कहा कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन टूटे हुए तारों से क्या बात बने। आसमान कब खूबसूरत लगता है? जब सब सितारे एक साथ जगमग जगमग हो रहे हों, और अगर दो यहाँ निकले हुए हैं, दो वहाँ निकले हुए हैं, चार कहीं और निकले हुए हैं, तो आसमान की वो खूबसूरती रौनक नहीं रहती। आसमान जब भी खूबसूरत लगता है जब सब के सब सितारे एक साथ चमक रहे हों, सब निकले हुए हों, वरना इन टूटे हुए तारों से क्या बात बने। फिर यूं ही होगा, अकेले अकेले को मार लेना कोई बड़ा काम नहीं है, और बल्कि ये तो कह लो कि जंग की ये पॉलिसी है, ये हेला है, अकेला करके मारो, क्योंकि इत्तिहाद और इत्तिफाक को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। चंद चींटियाँ मिलकर के हाथी को गिरा सकती हैं, चंद रस्सियाँ आपस में मिलकर के ऐसी मजबूत रस्सी बन सकती है जिसे बड़े से बड़ा ताकतवर भी ना तोड़ सके। तो इत्तिहाद इत्तिफाक बहुत ज़रूरी है। इसलिए हदीस में कहा गया वला तनाज़अ, कुरान करीम में कहा गया वला तनाज़अ फतफशलू, आपस में झगड़ा ना करो, आपस में लड़ाई ना करो, माहौल ख़राब ना करो। क्यों? इसका नुकसान क्या होगा? फतफशलू, तुम बिखर जाओगे। वतज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। क्या फरमाया गया? वस्बिरू, झगड़ा ना करो, सब्र के साथ, सब्र का दामन पकड़े हुए आपस में सीधे सीधे चलते रहो। और क्या फरमाया? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, वला तफर्रकू, आपस में फ़िरका फ़िरका मत करो। मेरा अलग फ़िरका है, मेरी अलग जमात है, मेरी अलग कमेटी है, मेरी अलग गैंग है, मेरे अपने अलग लोग हैं, नहीं, ये ना करो। जैसे ही ये आएगा ये अपने पीछे सिवाय तबाही बर्बादी के और कुछ लेके नहीं आएगा। इसलिए मुसलमान होने की बुनियाद पर सब के सब मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। अल्लामा इकबाल ने कहा है, फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हर कोई आज अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग लिए बैठा है और दूसरे को सही बरहक मानने को तैयार नहीं है, और मज़ीद सितम बाला सितम ये कुफ्र के फतवे ठोके जा रहे हैं। हालांकि मानता वो भी अल्लाह को, वो भी मानता है कुरान को, वो भी मानता है, वो भी मानता है नबी, उसका भी एक है, इसका भी एक है, नमाज का तरीक़ा इसका भी वही है, उसका भी वही है, ज़कात उस पर भी फ़र्ज़ है, इसके ऊपर भी फ़र्ज़ है, हज का उसका भी वही तरीक़ा है, इसका भी यही तरीक़ा है, फिर भी एक दूसरे को काफिर मुस्लिम का खेल खिलाया जा रहा है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, क़िबला भी एक, अल्लाह भी एक और रसूल भी एक, कुरान भी सबका एक, नबी भी सबका एक, क्या होती बड़ी बात जो होते हम मुसलमान भी सभी एक। जब इतनी सारी चीज़ों में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ है तो फिर हमारे में आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ क्यों नहीं है। इस्लाम एक ऐसी वजह है जो हमें जोड़े रखने के लिए काफ़ी है। हमें आपस में जोड़ने के लिए एक वजह कि हम मुसलमान हैं, ये वजह काफ़ी है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुरान करीम में कहा गया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। कभी कोई गलती किसी से हो जाए तो आपस में सुलह सफाई करा दिया करो। उस वजह को लेकर के आपस में तफरका मत डालो, आपस में झगड़े दुश्मनी की बुनियाद मत डालो। तफरक़े की जो वजह कई सारी वजूहात में से एक बड़ी अहम वजह है हमारे खुदाओं का अलग होना। जब इस्लाम नहीं आया था अहले अरब में इस कदर लड़ाइयाँ थी कि एक एक लड़ाई सदियों सदियों चलती थी। दादा के कत्ल का बदला पोता लेता था, दुश्मनी का बदला। नस्लों में, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ चला करती थी। जबकि नस्ल के अंदर सब के सब मुत्तहिद थे, सब की नस्ल एक ही थी। अहले अरब में सब की नस्ल एक थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं तमाम अहले अरब, सब एक ही माँ बाप की नस्ल से थे। ज़ुबान सब की एक थी, सब अरबी बोलते थे। जगह के एतबार से सब जज़ीरतुल अरब के अंदर मौजूद थे, सब एक मुल्क के रहने वाले थे। इसके बावजूद भी उनमें इस कदर दुश्मनियाँ थी। उसकी एक वजह यह थी कि हर एक का माबूद अलग अलग था। खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। इस्लाम आया, इस्लाम ने सबको एक रब पर जमा किया। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगों ये कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। चुनांचे वही लोग जो आपस में दुश्मनियाँ इस कदर सख्त और शदीद थी कि बरसहा बरस चला करती थी, इस्लाम आया। और इस्लाम आने के बाद ऐसी उख़ुव्वत और मोहब्बत और प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ा जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है, मिसाल नहीं मिलेगी। हिजरत के मौके पर मदीने के रहने वाले हजरात ने यह कहा हमारे जो मुहाजिर भाई मक्का में सब अपना माल और दौलत छोड़ आए, जिनके पास कुछ नहीं है, वो हमारे अमलाक में शामिल हैं। आधा माल हमारा, आधा उनका। दो दो चार चार बीवियाँ हैं, एक हमारी एक तुम्हारी, हम तलाक दे देते हैं। ऐसा प्यार मोहब्बत का रवैया पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपस में भाईचारा कायम फरमाया। एक गज़वे के मौके पर जब माल गनीमत आया तो अंसार को ये हुआ कि अब तो इनके पास भी माल आ गया तो वो भाईचारा टूट जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप सारा माल गनीमत मुहाजिर भाइयों को दे दीजिए लेकिन हमारा भाईचारा ना टूटे। जिसको पहले जिसका भाई बनाया था, जिसके घर में रखा था, जिसकी जिम्मेदारी में सौंपा था, वो जू का तुम होना चाहिए। ये कैसे हुआ? जो इस्लाम से पहले दुश्मन को पानी का प्याला देने तक तैयार नहीं था, वो इस्लाम आने के बाद कहता है हमारा माल भी उसका, लेकिन प्यार मोहब्बत होना चाहिए। सबको एक रब पर जमा किया, सब ने यह समझा कि हाँ, हम सबका रब एक है, हम सबका बनाने वाला एक है। दूसरी बुनियाद आपने डाली, हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की सब नस्ल से हैं, तो हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, ये बुनियाद डाली। एक बाप की औलाद जल्दी से आपस में लड़ती नहीं है, दूसरे से लड़ लेंगे लेकिन भाई से नहीं लड़ते। लड़ाई भी हो जाएगी तो एक न एक मौके पर समझ में आ जाएगा, यार ये भी तो मेरा अपना खून है, ये भी तो मेरा अपना भाई है। तो इत्तिहाद इत्तिफाक की बुनियाद डाली कि ये समझो कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। और फिर तीसरी बुनियाद डाली अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की रस्सी, ये दीन, ये कुरान, इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये तीन बुनियाद आपने डाली और पूरा जज़ीरतुल अरब एक हो गया। जो इससे पहले लड़ाई में मशहूर थे, दुश्मनियों में मशहूर थे, वो इत्तिहाद इत्तिफाक में ऐसे मशहूर हुए और अल्लाह ने ऐसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई कि उस वक़्त की जो सुपर पावर थी, ईरान था, इराक़ था, उनको ज़ेरो ज़बर कर डाला। हालांकि इससे पहले वो खुद डरते थे। इस्लाम आने से पहले अल अरब खुद डरा करते थे ईरान से, बोले कहीं हमला ना कर देवे। और जब इस्लाम आया तो ऐसी ताकत और क़ुव्वत इत्तिहाद और इत्तिफाक की लेकर के आया कि ईरान को ज़ेरो ज़बर कर डाला। अल्लाह ने कुरान करीम में मदद के वादे फरमाए हैं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद और इत्तिफाक पर बशारतें सुनाई है। इत्तिहाद और इत्तिफाक हो जाएगा, अल्लाह की मदद साथ होने का वादा किया गया। और अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होगा फिर वो होगा जिसकी अल्लाह ने कुरान में ख़बर दी है, फतफशला व तज़हब रिहुकुम, पाँव फिसल जाएंगे, हवा उखड़ जाएगी और दुश्मन तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा। इसलिए ऐसे वक्त में हालात हम सब के सामने किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हर कोई दुनिया और उसके नज़रियों को देख रहा है, दुश्मन उसकी चालों को समझ रहा है, अपना फ्यूचर और मुस्तकबिल भी समझ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर इत्तिहाद व इत्तिफाक हो। कुरान करीम में कहा गया, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू, ऐ मुसलमानों तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जो अलग अलग बट गए, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग जमातें बना ली, उनकी तरह नहीं हो जाना। और अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तिहाद व इत्तिफाक को बतौर नेमत के जिक्र फरमाया, वज़कुरू नियमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदान, याद करो उस वक्त को, अल्लाह की नेमत को, जब तुम आपस में दुश्मन थे। इस्लाम आने से पहले आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा किया और जोड़ आपस में पैदा किया। और आगे फरमाया, वलौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन, ये प्यार मोहब्बत इत्तिहाद इत्तिफाक ऐसा है कि अगर पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी तुम लोगों को जोड़ना चाहो नहीं जोड़ सकते। ये तो अल्लाह ही ने किया है। वलाकिन अल्लाह अल्लाफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने दिलों को आपस में जोड़ के रखा है। ये अल्लाह की नेमत है। इत्तिहाद इत्तिफाक का मिल जाना ये अल्लाह की नेमत है। जब इत्तिहाद इत्तिफाक आ जाता है ताकत व क़ुव्वत, गलबा ख़ुद ब खुद आ जाता है। तो इसलिए वक्त बड़े नाजुक चल रहे हैं, हालात बड़े नाजुक हैं, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए अपना मोमिन भाई होने के एतबार से, अपना मुसलमान भाई होने के एतबार से कम ये समझ लें कि यह अल्लाह का मानने वाला है, उससे जोड़ पैदा करें। क्योंकि आज अगर हमारी बका के लिए ज़रूरी है, हम ये चाहते हैं कि हम बाकी रहें, अगर हम बाकी रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ ज़रूरी है, वरना कल उसका नंबर था तो आज मेरा भी नंबर आएगा और मेरे बाद दूसरे का नंबर भी आएगा ही आएगा। और जब आपस में मिलजुल करके रहेंगे इंशाअल्लाह, इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ के साथ रहेंगे। चार के सामने अकेला खड़ा होने से क्यों डरता है? उसको पता ये चार हैं, इसलिए हिम्मत पहले ही जवाब दे जाती है, अरे यार तू अकेला चार के मुकाबले में लड़ेगा क्यों? क्योंकि वो उनके इत्तिहाद का पहले ही डर दिमाग में बैठ चुका होता है कि एक चार से मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो आज यही चीज़ हमें अपने अंदर लेकर के आनी है कि जालिम और दुश्मन जब हमारे इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ को देखे तो उसके पसीने वहीं छूट जाएँ, उसकी ताकत वहीं दम तोड़ जाए। इसलिए वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत और अहम इस वक्त है इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़। अपने अंदर इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ कर ले, इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला के सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज पूरी दुनिया के अंदर जो बेचैनी का आलम है, परेशानी का आलम है, अल्लाह तबारक व तआला उससे छुटकारा अता फ़रमाए। जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं अल्लाह तबारक व तआला सब की नुसरत फ़रमाए, मदद फ़रमाए, मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।